नमस्कार, आप देख रहे हैं LifeCities.in और मैं हूं अंकिता। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। बिहार में 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत, आज दूसरे दिन हो रहा खरना का अनुष्ठान। छठव्रतियों ने बनाई गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। खरना के साथ ही शुरू हो गया 36 घंटों का निर्जला व्रत। दिल्ली में शरद यादव से मिलने पहुंचे रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार के बयान पर भी चर्चा। मुलाकात के बाद मीडिया से बोले कुशवाहा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नीतीश, जोड़ तोड़ में है माहिर। पटना में सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से मिले चिराग पासवान, बोले सिर्फ छठ पर्व से जोड़कर देखा जाए मीटिंग को। सुमित सिंह और प्रशांत किशोर से मुलाकात मात्र एक संयोग। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर बोले चिराग पासवान, एनडीए में रहकर विपक्ष के नेता से मिलना गलत बात, कोई भी बयान देने से पहले आपस में करें बातचीत। विधायकों की टूट मामले पर बोले बीजेपी के नितिन नवीन, हर कोई अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र, उपेंद्र कुशवाहा बिहार और देश के हित में ही लेंगे फैसला। पटना पुलिस लाइन मामले में बनी SIT, SSP मनु महाराज के नेतृत्व में जांच करेंगे सिटी SP, SP सदर और DSP कोतवाली। बुद्धा कॉलोनी और महिला थाना भी टीम में हुई शामिल। भागलपुर में पेट्रोल पंप से बड़ी लूट, पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट लिया 16 लाख रुपया, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। वैशाली में भी अपराधियों का तांडव, लूट लिया 3 लाख का सोना, विरोध करने पर दुकानदार को भी पिस्टल से पीट पीट कर किया घायल, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन से शोक की लहर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेताओं ने भी जताया शोक। 59 वर्षीय अनंत कुमार कैंसर से थे पीड़ित, सोमवार को बेंगलुरु में ली अंतिम सांस। भागलपुर कोशी दियारा का आतंक, अनिल यादव गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ STF नौगछिया पुलिस ने दबोचा, 25,000 का था इनामी, नौगछिया SP निधि रानी ने दी यह जानकारी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां, आप बने रहिए LifeCities.in के साथ। नमस्कार।